मेरे बेबी का फर्स्ट वैष्णो देवी का ट्रिप है ना, फर्स्ट माता ट्रिप. And this will be my baby's first train trip. It's early morning, 5:15. We are just before time only. You can see behind me. So, Jai Mata Di. So, let's see. Rian is sleeping. So, it's very cold. Tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions and stand by what you say. In the end, it's my decision, so it's my fault when it ends. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their hands at my neck this time, but you're the one that I want. If that's really so wrong, I'll lay out all my reasons, you'll say that I need help. We all got expectations, and sometimes they go wrong. But no one listens to me, so I put it in this song. They tell me think with my head, not that thing in my chest. They got their heads at my neck this time, but you're the अब हम जा रहे हैं, हम चॉपर लेंगे और माता के दर्शन करने जा रहे हैं. ये बदमाश. सो दिस इज माय बदमाश, माय क्यूटू. अब हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने. अच्छे से मैंने इसको पैक किया हुआ है. सो मॉमीज, आप लोग जब इतने पीक विंटर में आ रहे हो, जाया स्नोफॉल भी है, सो मेक श्योर कि आप अपने बेबी को अच्छे से कवर करके रखें, इनर्स एंड फिर उसके ऊपर यू नो वार्मर्स और फिर सारे कैप्स, ग्लव्स, जैकेट्स, सारे अच्छे से आप बेबी को कवर करके रखें. बिकॉज बेबी अच्छे से सेट है तो आपकी सारी जर्नी, आपका ट्रिप मजे में गुजरता है. एंड इसके अलावा यू मेक श्योर कि आप बेबी का ईटेबल, स्पेशली उसकी फीडिंग का, उसका मिल्क हो गया,
उसका खाने का कुछ भी, आप जो आपका बीबी खाता है, बिस्किट्स हो गए अगर आप बिस्किट खिला रहे हो तो, या फिर सेरेलैक हो गया, आप ये सब पक्का कैरी करें, क्योंकि एम्प्टी स्टमक बेबी बहुत वाजी बहुत क्रैंकी होते हैं. आज वेदर अच्छा है, होपफुली लेट्स सी हमारे दर्शन कैसे होते हैं, सनी है. सो यस, आई वॉन्ट यू ऑल टू मीट वन मोर पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू मी. तो एक तो ये है, एंड एक जो है जो अभी तक मैं आप लोग को नहीं मिलवाई. सो वन मोर थिंग, बेसिक मेडिसिन भी आप लेके चलें, राइट? एंड इतनी डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज सी आई वॉज ऑल्सो वेरी, नॉट वेरी बट काइंड ऑफ स्केयर्ड, कि इतने विंटर में एंड स्पेशली यू नो द पीक विंटर में बेबी को फर्स्ट टाइम इनको हैदराबाद से निकाला है. बट सी ह्यूमन बॉडी इज समथिंग यू नो, कि कोई भी क्लाइमेट हो, चाहे बहुत गर्मी हो बहुत ठंड हो, हम ह्यूमन बॉडी हम अडेप्ट कर लेते हैं. सो नथिंग टू वरी, बस प्रिकॉशंस लीजिए, अपने बेबी को उसकी टमी फुल रखिए, अच्छे से रैप कीजिए, आराम से जाइए. So we reached here, we have taken the parcel for chopper. As I was saying, I wanted to meet you all, my husband. So here is my husband. He is Dr. Abhishek. He is doctor by profession and entrepreneur by passion. So he is my husband, he is my cuckoo. Priyan, say hi. Hi. So here we are heading towards Vaishno Devi. Jai Mata Di. Yay! Yay! I was just thinking, like इतनी पीक विंटर्स में बहुत कम लोग आते होंगे वैष्णो देवी. मेनली आई वॉज थिंकिंग कि लाइक समर्स में हो गए, समर वेकेशन में या नवरात्रा में हो गए, बट आई वॉज लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग. माता जी के भक्त हर समय आते हैं. इतनी ठंड है, बट जो ट्रेन से मैं आई, यानी यहाँ आई कैन सी हेलीपैड में भी इट्स फुल, इतना रश है, इतने लोग आए हैं, मतलब नोबडी सीज क्लाइमेट वेदर या कुछ. एंड ट्रस्ट मी रियाना, 14 मंथ तो मैंने दो बार सोचा था, बट आना था मुझे. बस यहाँ पे 6 मंथ की बेबीज को भी लेके आए हैं, जिस होटल में आई एम स्टेइंग उसमें भी इतने छोटे बच्चे को. देयर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ. एंड यू नो व्हाट आई फील, आप बेबीज को जितना घुमाओगे, जितना एक्सपोजर दोगे हर एक चीज का, वो उनकी लर्निंग, उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है. बिकॉज यू नो दे कीप यू नो एनालाइजिंग एंड जस्ट सीइंग एवरीथिंग, दे कीप ऑब्जर्विंग एवरीथिंग बहुत ध्यान से, हर एक चीज को ध्यान से देखना, और मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड रियान की दो वेकेशंस, एंड आई विल मेक श्योर का कहीं लेके जाऊं, या कहीं नहीं भी तो आप एटलीस्ट वीकेंड्स में बेबी को बाहर लेके जाइए. पार्क हो गया, जू हो गया, मतलब आउटिंग शुड बी देयर फॉर बेबी, अपार्ट फ्रॉम यू नो आउटडोर गेम्स, जो आप पार्क लेके जाते हो, स्ट्रोल करने जाते हो बेबी के साथ, आउटडोर्स मतलब टूर होना चाहिए, बेबी का ट्रिप होना चाहिए, चाहे आप मॉल लेके जाओ, रेस्टोरेंट्स लेके जाओ, बेबी को कहीं बाहर ड्राइव पे ही लेके जाओ, बेबी की लर्निंग बहुत बढ़ती है. दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. बाकी अभी इज एंजॉयिंग विद हिज फादर. आज बहुत मतलब टचवुड क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज दो दिन पहले बहुत हेवी स्नोफॉल हुई है, एंड आई हैव हर्ड दैट कल भी स्नोफॉल हुई है. तो अभी तो काफी ब्राइट सन है, एज यू कैन सी आई एम नॉट एबल टू शूट ऑल्सो प्रॉपरली, पूरा लाइट मेरे फेस पे आ रहा है, बट अच्छा है, अच्छा लग रहा है. मतलब जैसे सुबह था बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड था, अभी वैसा नहीं लग रहा है, इट्स वेरी प्लेजेंट. ऊपर बहुत ठंड होगी बिकॉज बर्फ है.
चॉपर से उतर के सांझी छत में उतारा था, वहाँ पहली पैड है, बिल्कुल भी शूट नहीं करने दिया। एंड एक पिट्ठू ले लिया हमने फरियान, बाकी अब हम अपना जा रहे हैं आराम से। इट्स वेरी फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। सो लेकिन सीरियसली इतना अच्छा लग रहा है व्यू, मतलब बहुत ही ब्राइट सनलाइट है, और मतलब वो जो स्नो पिघल पिघल के गिर रहे हैं उस पर इतना सुंदर दिख रहा है, इतना प्रिटी, मतलब जैसे मूवीज में नहीं दिखता है वैसा। सो आई एम जस्ट सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ठंड तो पूछो ही मत, सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग। एंड टच वुड, रियाना इज ऑल्सो कम्फर्टेबल इन बाबाज आर्म, प्रोबेबली ही नोज हाउ टू कैरी बेबीज, सो ही इज फाइन, अदरवाइज वो किसी के पास जाता नहीं जल्दी। Now we are heading towards Bhairo Baba. अभी कुछ दिनों पहले ही एक सेवा स्टार्ट की इन्होंने रोप वे, तो हमने टिकट बुक कर लिए रोप वे का, तो भैरव बाबा 3 मिनट में वील रीच। सो भैरव बाबा जा रहे हैं, कहते हैं कि लाइक वैष्णो देवी के दर्शन पूरे नहीं होते अगर आप भैरव बाबा के नहीं दर्शन करो, है ना बाबा जी। तो हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, उसके बाद फिर हम वापस अपने डेस्टिनेशन पे। Then we are going back. 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 Then we are going back